Hi friends, thanks for watching my channel. Today I am here with another video. The topic for today is depression. My love for psychology motivated me to discuss this topic with you. It is important to realize that feeling down at times is a normal part of life. Sad and upsetting events happen to everyone. Example, when a child gets degraded, he will be feeling low. Or when someone loses his loved one, his condition will be same. But with the passage of time, the person gets out of it. But if we are feeling down or hopeless on regular basis, then we could be dealing with depression. Let's understand what is depression. Depression is a mood disorder. It may be described as feeling of sadness, loss or anger that interfere with a person's in everyday activities. Look at the facts. These states that one in every 20 people suffer from depression. I feel that there is an urgent need for all of us, being the productive member of the society, to acquaint ourselves with the symptoms of depression. Let's discuss the main symptoms. Changes in eating and sleeping habits, withdrawal from friends, families and regular activities, violent action, rebellious behavior, running away, drug and alcohol abuse, marked personality change, persistent boredom, difficulty in concentration, complaints about physical symptoms, and loss of interest in pleasurable activities. So friends, if you see these symptoms in your loved ones, be on your shoes. Don't leave them alone. Keep talking with them. And don't use phrases like, stop complaining all the time, you aren't pushing yourself, you are always negative, it's your own fault, in front of them. Consult with the mental health professional before the problem increases. On this, I am sharing one poem with you. Achha aadmi tha. है ना, बहुत अच्छा आदमी था। ये बात तुमने कह दी यकीन से या अंदाजे पर? अब कुछ ना कुछ तो कहना बनता था ना उसके जनाजे पर। नहीं कहते तो जमाने को तुम्हारी अच्छाई पर शक हो जाता, और अगर वो सुनता ना तो खुशी के मारे पागल बेशक हो जाता। खैर ये बताओ कि अच्छा ही था तो अच्छेपन का हिसाब क्यों नहीं दिया? हफ्ते भर से कुछ पूछ तो रहा था ना, वो कभी सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया? वो जब पूछता कि मेरी जिंदगी में गमों के सिवा कुछ बाकी रहेगा या नहीं, और तुम हंसकर कह देते कि यार तू इसके सिवा कुछ और कहेगा या नहीं। काश के हंसी ठाके के सिलसिले को तोड़कर देखा होता, काश के जितने बार उसे अलविदा कहा उसी रास्ते पर रुक कर पीछे मुड़कर देखा होता, तो जानते कि तुमसे मिलने के बाद वो कभी घर नहीं गया था, उसके चेहरे से नाराजगी का असर नहीं गया था, वहीं पेड़ के सहारे सड़क के किनारे बैठ जाया करता था, आते जाते मुसाफिरों से रूठ जाया करता था। तुम जानते थे ना कि वो हम सब से कुछ दिनों से बड़ा अलग अलग सा दूर सा रहता था, पर क्या ये जानते हो कि अकेले पलंग पर लेटा अपने घर में पंखों दीवारों को घूरता रहता था। कहा तो था उसने कि मिलो, मुलाकातें करनी है, जो किसी और से नहीं कही वो तुमसे बातें करनी है, और तुम ऐसे में जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, ऐसी बातें फर्जी भेजकर दो चार चुटकुलों के साथ हंसी वाला इमोजी भेजकर तुम्हें लगता था कि वो समझ जाएगा। संभला नहीं तो क्या हुआ, अच्छा आदमी है, समझ जाएगा। पर वो तुम्हारी चीजों को पढ़कर सोचता था कि एक मेरे पास ही हंसने की हसरत क्यों नहीं है, एक जिंदगी में मेरे सिवा ही किसी को मेरी जरूरत क्यों नहीं है, जरूरत है। काश के उसे एहसास दिला दिया होता, काश के उसे एहसास दिला दिया होता, बिना वजह गले लगाकर पास बिठा लिया होता,
काश के जानते कि हर रोज वो जानबूझकर बिना कुछ खाए बेहोश कैसे हो जाता था। काश के समझते कि वो बोलते बोलते खामोश कैसे हो जाता था। काश के उसके लिए ही उससे लड़ लिया होता, उसकी घर की दीवारों से ज्यादा उसकी उस डायरी को पढ़ लिया होता तो जानते कि उसके आंखों में कोई सपना नहीं था। उसके अपने बहुत थे पर उसका कोई अपना नहीं था। काश के हम में से कोई तो उसके घर पर वक्त पर पहुंचा होता तो उसने उस दवाई की शीशी को खोलने से पहले कुछ तो सोचा होता। काश। कहते हैं रिश्ते बांधते हैं ना, तो उसके घर में वो जंजीर मौजूद थी। जिस मेज पे दवाई की शीशी थी वहीं माँ पापा की तस्वीर मौजूद थी, पर उस वक्त उसका कोई अपना उसके पास नहीं था। दिल का हर एक दोस्त था तो सही, पर दिल के खास नहीं था। इस बार उसने जिंदगी का रास्ता मौत के जानिब समझा। इस बार उसने चले जाना ही मुनासिब समझा। जाते जाते जिंदगी से सीखता गया, वो अपने आखिरी खत में लिखता गया वो कि मेरी मन मर्जी है कि मेरे दोस्तों को इसमें शामिल मत करना, वहां जाकर परेशान हो जाऊं इतना काबिल मत करना। और तुम्हें जब जिंदगी बेसब्र मिली, तुम्हें उसके जाने की खबर मिली, तब एहसास हुआ कि वो सच कहता था, कितना सच्चा था। और आज सफेद लिबास पहनकर दुनिया को ये बताने आए हो कि वो कितना अच्छा था। अपने आप को दोस्ती का खुदा, रहनुमा, फरिश्ता, सबसे जुदा कहने आए हो। जब तक वो था तब तक तो मिले नहीं, आज आखिरी अलविदा कहने आए हो। खैर, जब वक्त की परतों से लम्हों की धूल हटाओगे, जब उसके कब्र पे फूल चढ़ाने जाओगे, तो थोड़ी सी बेअदब सी, अजब सी, लेकिन नाराज आएगी। उसकी आखिरी मिट्टी से वो एक आखिरी आवाज आएगी। आवाज कहेगी कि ऐसे कई मंजर के गवाह हम सभी खुद हैं, मुझ जैसे कई अच्छे लोग आज भी तुम्हारी महफिल में मौजूद हैं। तो अगली बार मेरे जैसा कोई दिख जाए तो उससे बातें करना, मुलाकातें करना, उसका दिल रख लेना, उसके घर जाकर उसे तोहफे देना और उस दवाई की शीशी को खिड़की के बाहर फेंक देना। तब शायद वो जिंदगी जीने का हौसला कर सके, तब शायद वो खुश रहने का फैसला कर सके, तब शायद तुमसे नेकी का काम हो जाए, उसकी दोस्तों की पहली लिस्ट में तुम्हारा नाम हो जाए। ये बातें हम सब जानते हैं, सबको पता है, बस आज कहना लाजमी था ताकि तुम्हें किसी के घर जाकर सफेद लिबास पहनकर ये ना कहना पड़े कि वो अच्छा आदमी था। Hey friends, hope my message is conveyed. Hey, wait, where are you all going? Please turn the black thumb blue and share and subscribe my channel.